कल हमारी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई कि अधिकारी कुछ और कह रहे हैं और जमीन की जो रियलिटी है वो कुछ और है, हकीकत कुछ और है। तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं हो पाई। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा ये तो अन्याय है, जवाब नहीं मिला, कंफ्यूजन जो है वो साफ तौर पे हर जगह दिख रहा था। लॉकडाउन के 42 दिन के लंबे इंतजार के बाद कल हमारी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई और सर्वदलीय बैठक बुलाया गया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस बैठक में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, बिहार सरकार के सामने कई सुझाव को रखने का काम किया। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव जो हैं, जो आप लोगों के बीच मैं साझा करना चाहता हूं, सबसे पहला कि बिहार में टेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, बल्कि रैंडम टेस्ट होने चाहिए और आबादी के अनुपात में टेस्ट की संख्या होनी चाहिए और स्क्रीनिंग से ज्यादा जो फोकस जो हमारा होना चाहिए वो टेस्टिंग पे होना चाहिए। स्क्रीनिंग इसलिए क्योंकि आप लोग सब लोग को मैं बता दूं कि जो स्वस्थ दिखने में भी है उसको भी पॉजिटिव कोरोना जो केस जो है वो हो रहा है, इसलिए हमने सुझाव दिया कि स्क्रीनिंग का कोई फायदा नहीं है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हम लोगों को करना चाहिए। जो छोटा सा हरियाणा प्रदेश है उसकी संख्या टेस्टिंग में ज्यादा है लेकिन बिहार की कम है, तो इसलिए आबादी के अनुपात में ये संख्या जो है टेस्ट की वो होनी चाहिए। नंबर दूसरा, हमने बिहार सरकार से पूछा कि वेंटिलेटर्स की कितनी संख्या है, पीपीई किट्स की क्या संख्या है और केंद्र सरकार जो है आपको क्या सहयोग किया है इसमें, आप पूरा ब्यौरा आप जो है खुलकर के बताइए। कितने पीपी किट्स मिले हैं, यानी डॉक्टर जो है कई वो उनको पीपी किट्स नहीं पहुंचे हैं और वेंटिलेटर जो है बहुत ही जरूरी है इलाज के लिए, तो ये सारी जो हेल्थ इक्विपमेंट्स की जो चीजें हैं, सामग्रियां हैं, ये अब तक बिहार सरकार के पास वेंटिलेटर कितने हैं। उनको याद दिलाया कि विधानसभा में जब उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने 100 जो है वेंटिलेटर्स की बात कही थी कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कह दिया है, और हमने ये महत्वपूर्ण भी सुझाव दिया कि दूसरे राज्य जो हैं वेंटिलेटर जो हैं या और चीज़ें जो हैं हेल्थ से रिलेटेड वो डायरेक्ट खरीद रही हैं तो बिहार सरकार भी खरीदे, जैसे छत्तीसगढ़ हो या केरल सरकार हो, ये डायरेक्ट ले ली। अब इसमें क्या उलझने हैं नहीं है, लेकिन बेहतर ये होगा। और साथ ही साथ हमने पूछा है कि केंद्र सरकार ने कितना सहयोग किया, आपको कितने वेंटिलेटर्स केंद्र सरकार ने दिए, पीपी किट्स कितने दिए, टेस्टिंग किट्स कितने उपलब्ध केंद्र सरकार ने कराने का काम किया। और हालांकि जो जवाब मिला उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और कोई ठोस इस पर कोई जवाब ही नहीं मिला कि कितने केंद्र सरकार ने क्या सहयोग किया। और हमने ये निवेदन की माननीय मुख्यमंत्री जी से कि और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर्स को देख रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को हमने रेलवे स्टेशन के बाहर देखा, केरल के मुख्यमंत्री हों, बंगाल के मुख्यमंत्री हों या राजस्थान के मुख्यमंत्री, हर कोई जो है मुख्यमंत्रियों का एक्शन देख रहा है और खुल करके सामने आ रहे हैं, चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और कमियों को दूर कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन हम लोगों के सामने रखा गया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने रखा और आपदा के जो प्रबंधक जो अभी जो हेड जो लीड कर रहे हैं प्रतीक जी ने, उन्होंने प्रेजेंटेशन रखी। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को हमने बोला क्योंकि जो प्रेजेंटेशन में जो आंकड़े जो दिखाए गए हैं उस पर हम लोग जो है ज़्यादा विश्वास हम नहीं करते। हमने सुझाव में भी बोला कि अधिकारी कुछ और कह रहे हैं और जमीन की जो रियलिटी है वो कुछ और है, हकीकत कुछ और है, इसलिए आप बाहर निकलिए, आप जो बैठक करते रहे हैं और जो फैसला जो भी लिया कि वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, या अधिकारी जो है आपके आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गलत आंकड़ा दे रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार ऐसा वीडियो देखने का काम किया है जिससे हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा है और
और काफ़ी पीड़ा भी हुई है, ऐसे दर्दनाक वीडियोस भी हम लोगों ने देखा है। और जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। और हमने एक और निवेदन किया कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे चेक एंड बैलेंस रहेगा। इससे अधिकारी कुछ और कहते हैं लेकिन ग्राउंड की जो हकीकत है वो जनप्रतिनिधि ज़्यादा जानता है। विधायक उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, जवाबदेही है, और नैतिक जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं कि लोगों के इस दुख में उनका सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद पहुँचाई जाए। क्योंकि अधिकारी जो है पूरी बात बताते हैं, नहीं बताते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। इसलिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर पर जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाए, देखभाल में लगाया जाए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमने फेसबुक लाइव करके भी हमने आप लोगों से साझा किया था, एक एमएचए का एक नया गाइडलाइन आया है 3 मई का जो लेटर है, जिसमें भल्ला जी के ऑर्डर से निकला है कि जो बिहार के मजदूर हैं, जो घर जाना चाहते हैं, जो काम के सिलसिले से बाहर गए थे, मजदूरी करने गए थे, उनको वापस नहीं लाना है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये तो अन्याय है, जो बिहार के लोग, बिहार के मजदूर जो घर आना चाहते हैं, ये कैसा गाइडलाइन है। इसमें जो है तुरंत किसी भी प्रकार से इस गाइडलाइन को जो है बदलवाया जाए। और आपकी तो बात सुशील मोदी जी कहते हैं कि भाई आपकी बात केंद्र मानता है, क्योंकि हमने देखा था कि पहले भी सुशील मोदी जी ने कहा था कि जब गाइडलाइन की, जब नियमों का हवाला दिया जा रहा था तो गाइडलाइन के बारे में बताया गया कि मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद, सुझाव देने के बाद केंद्र ने माना है। तो उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से कि ये गाइडलाइन में भी तब्दीली होगी, और जो भी कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी जो भी हमारे भाई फंसे हैं, उनके लिए घर वापस आने के लिए मजदूर जो गरीब हैं, एक राहत का काम जो है उनके लिए राहत मिलेगी और उनको छूट मिलेगी। इसलिए हमने ये गाइडलाइन का भी हवाला दिया। साथ ही साथ हमने जो मजदूर भाई हैं, खासतौर पे जो किराया उनसे वसूला जा रहा है, इसमें भी हमने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार जो है अपने तरीके पूरा जो खर्चा जो है, राज्य सरकार जो पूरा खर्चा जो है एडवांस में ही रेलवे को बुकिंग कर दे। और लगभग 12,000 ट्रेनें रेलवे के पास हैं पूरे भारत में, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन एडवांस में बुकिंग करके उनको लाने का काम किया जाए। और रेलवे का गाइडलाइन भी हमने उनको दिखाया लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। कंफ्यूजन जो है वो साफ तौर पे हर जगह दिख रहा था। तो हमने साफ तौर पे बोला है अगर आप सक्षम नहीं हो तो हम, हमारी पार्टी जो है तन मन धन से जो बल पड़ेगा हम लोगों से, जो हो पाएगा हम लोग करेंगे। पहले भी हमने 2000 बसेस की बात की थी या 50 ट्रेनें जो है वो देने की बात की थी। तो हम लोगों का सहयोग भी आप ले सकते हैं, अगर कोई कमी या बिहार सरकार इसमें सक्षम नहीं है तो वो करे, सहयोग ले, विपक्ष तैयार है। ये मजदूर भाइयों के लिए, और लगभग 12,000 जो है रेलवे स्टेशन, 12,000 ट्रेन जो है वो है पूरे भारत में। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक का दो का ट्रेन से कुछ होने वाला है नहीं। और प्रकाश पर्व में अगर हम लोग पटना में, केवल प्रकाश पर्व में अगर केवल पटना में हम लोग अगर 2.5 लाख लोगों का मेहमान नवाजी, जितने श्रद्धालु आए थे उनके लिए अलग से टेंट हाउस, खाने पीने की सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अगर हम लोग कर सकते हैं तो हमारे बिहार के जो गरीब मजदूर जो तकलीफ में है उनको ला करके कोई व्यवस्था हम यहाँ नहीं कर सकते।
तो हमने सुझाव दिया है अगर जो प्रकाश पर्व में अगर श्रद्धालुओं के लिए हमने सिर्फ पटना जिले में अगर हमने व्यवस्था कराई 2.5 लाख लोगों का रहने का, खाने का, पीने का, शौचालय का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो क्या हम अपने बिहार के ही लोगों पर बिहार का पैसा खर्च नहीं कर सकते? तो हमने ये सुझाव दिया और बिहार तो सौभाग्यशाली है कि यहाँ कई रेलवे स्टेशन हैं। हमने उनको ये भी सुझाव हम देते कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें बुकिंग करके हजारों की संख्या में आप लाइए उन मजदूरों को और बेशक आप क्वारंटाइन कीजिए, उसके लिए आइसोलेशन सेंटर्स बेहतर बनाइए, अच्छे से बनाइए, कोई सुविधा की कमी ना होने दी जाए खाने पीने शौचालय से लेकर ट्रांसपोर्टेशन का। और इतनी हमारे पास रेलवे स्टेशन है, आप पटना एक जिले में मान लीजिए अगर हमारी संख्या मजदूरों की वहां 27 लाख, अगर 40 लाख भी है बाहर जो फंसे हैं, अगर हम में इच्छा शक्ति अगर हम 40 लाख लोगों को लाए तो हमने ये भी उपाय बताया कि अलग अलग जिला में हम लोग ला सकते हैं। 1-1 लाख भी अगर एक जिले में रहेंगे तो आप समझ सकते 40 लाख तो ऐसे ही हो जाएंगे। क्या एक जिला, एक जिले का प्रशासन 1 लाख लोगों को खाना नहीं खिला सकता, रखने की व्यवस्था नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं कर सकता? तो ये काम जो है, ये सुझाव हमने उनको दिया है कि अगर पटना में इतनी बड़ी खर्च हम लोग कर सकते हैं श्रद्धालुओं का रहने का, खाने का, पीने का, तो बिहार के लोगों पे अगर हर जिला में अगर हर स्टेशन अगर ट्रेन लगा दी जाए और उनको जो है जिला में हम लोग व्यवस्थित ढंग से रख दे तो मात्र 1 लाख खाता है। तो ये हमने सुझाव दिया। और जो राशन वितरण में जो बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, इसकी पारदर्शिता हो, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, ये भी हमने जो है सुझाव दिया है कि इसमें जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता बरकी जाए और ज़रूरतमंदों को जो है राशन मिले। जो धांधली हो रही है और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए उस पर भी कार्रवाई हो। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कोरोना के बाद जो आर्थिक स्थिति जो हमारे बिहार की होगी, जीडीपी, इकोनॉमी, उसके लिए एक बैकअप प्लान भी, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म प्लान भी हम लोग बनाएं ताकि कोरोना के बाद जो है हम लोगों को जो मार जो पड़ेगा, इकोनॉमी की जो मार पड़ेगी और जो व्यवस्था जो बिखर सा गया है उसको सुधारने के लिए भी एक विचार किया जाए साथ ही साथ, ताकि हम उससे कैसे निपटेंगे। तो ये और भी सुझाव हम लोगों ने दिया थे, लेकिन ये कुछ जो सुझाव है आप लोगों के सामने हमने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।